हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ओजोन लेयर जो उसका डिप्लीशन हो रहा है, अंटार्कटिका में उसमें होल हो रहा है, और ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। पर क्या आपको ये लगता है, क्या एक वो मेटल शीट है जो जिसमें बीच में होल हो गया और अल्ट्रावायलेट रेज धरती पे आ सकेंगी, क्या ये ऐसा है? एक्चुअली होता क्या है कि जो ओजोन जो लेयर है वो बेसिकली ओजोन का फॉर्मूला O3 है, ठीक है। तो क्या होता है जब सन की रेस के साथ अल्ट्रावायलेट रेज जब वहां पर हिट करती है O3 को, तो O3 ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजनोजेनेसिस हो जाता है, O3 कंपाउंड O2 और O में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन के बाद वो यूवी रेज जो है वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाती, वो हिट करती है O3 को, O3 ब्रेक होता है, ऑक्सीजनोजेनेसिस होता है, O2+O में ब्रेक हो जाती है, ठीक है, ओजोन, और फर्दर ट्रेवल नहीं करती है आपकी यूवी रेज। अब क्या होता है जब बोलते हैं कि CFC ना यूज करो, अब क्या होता है क्लोरीन जब ऊपर जाता है तो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और जब क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो यूवी रेज उससे रिएक्ट नहीं करती हैं। जब यूवी रेज आएंगी तो क्लोरीन और ऑक्सीजन के जो का जो बॉन्ड होगा उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगी और वो सीधे चली आएंगी धरती पर, और वो होता है वहां यहाँ पर आके वो नुकसान करती हैं। तो कोई मेटल शीट नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन को O3 को जो है वो ब्रेक करते हैं O2 में और ऑक्सीजनोजेनेसिस से, और उस फर्दर ट्रेवल नहीं करती है। जब वो क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन, तो फिर वो धरती पर आती है और वो हमें नुकसान पहुंचाती है। ये है ओजोन लेयर। थैंक यू वेरी मच।